मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और हमारी बेटी निशा कैसी है? अमार? ओ, बेचारी, बेचारी है वो, जुल्म हो रहा है बहुत। नहीं नहीं मॉम, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा था कि उसकी उसकी क्या मजाल वो ऐसी कोई बात करे। तुमने जो किया है वो अगर माफी के काबिल होता ना तो जरूर माफ कर देती, लेकिन तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं फिरोजा, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, मैं अब लेटूंगी। थोड़ी देर बैठी रहें, मेडिसिन दे लेती हूँ, फिर लेट जाइएगा। इंजेक्शन लगा कर गया था ना डॉक्टर, बुखार उतर गया मेरा, मेडिसिन नहीं लेनी मुझे। बुशरा क्यों जिद कर रही हो बच्चों की तरह? देखो शाम को वलीमे में भी शिरकत करनी है इसके, तब तक तुम्हें बिल्कुल ठीक होना है। कैसे शिरकत करूंगी, जेबाज और भाई से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? कल बारात में मैं कितना खुश थी, हंस बोल रही थी, अब कैसे खामोश रहूंगी? अम्मी प्लीज मेडिसिन ले लें। ठीक हूं मैं। अच्छा मैं सर दबा दूं आपका? फिरोजा मुझे मेडिसिन दो, मैं खा के सो जाऊंगी। जी दिया है भाई। हाँ जी जी बिल्कुल, थैंक यू। भाभी खुद को संभालें, देखिए आपकी वजह से अमार का चेहरा कितना उतर आया। अजहर वैसे आयजा माशाल्लाह से कितनी खुश लग रही थी, है ना? हाँ, बस अल्लाह हमारी बच्चियों को हमेशा खुश रखे। आमीन। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप, ऐसे लग रहे जैसे अंदर कोई उलझन सी है। हाँ नायाब की वजह से उलझन में। क्यों नायाब की वजह से? क्यों? देखो ना अम्मा ने बच्चियों को चीजें और घर देने से मना कर दिया है, मेरा मतलब है नायाब रजा के घर में बगैर चीजों के कैसे रहेगी। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, हमने तो बड़ी नाजों से अपने बच्चों को पाला है, वो कैसे मैनेज करेगी? देखो रजा के कमरे में भी एसी किसी वजह से फिट नहीं हो पा रहा। ओह गॉड, तो मैं अम्मा से बात करूं? देखिए अभी दे या बाद में दे, सामान तो हमने देना है बच्चों को। नहीं नहीं अम्मा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। देखो मैंने ये सोचा है कि नायाब की शादी के बाद अम्मा को बगैर बताए मैं नायाब और रजा के घर पे ले जाऊंगा, और उसके बाद रजा और उसकी फैमिली को बोलूंगा कि तुम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाओ। सर सोच लें, इतना बड़ा कदम उठाएंगे अम्मा की इजाजत के बगैर, वो तो बहुत खफा होंगी आपसे। देखो मेरी बच्चियों ने हमेशा आराम की जिंदगी गुजारी है, अब वो तकलीफ में मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। भी बात सही है, ठीक है आप जो सही समझे। आई थिंक यही बिल्कुल सही आइडिया। मैं आपको सुबह ही सलाम करने आती लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप जानती हैं अम्मी और दादी ने मुझे बहुत डांटा, कह रही थी कि आंटी को इस हालत में छोड़ के तुम्हें आना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे मेरी जान,
बेटियां तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। उनकी तड़प और बढ़ जाती है उनसे मिलने के लिए जब उनकी शादी हो जाती है। आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं आज शाम हमारे वलीमे के लिए, वैसे ही जैसे कल थी, खुश, हंसती मुस्कुराती, एक्टिव। हाँ हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ये बताओ अमार कहाँ है, कहीं बाहर गया हुआ है क्या? आप पता नहीं, मैं तो अम्मी की तरफ से आ रही हूँ। अच्छा आपने मेडिसिन ली? I'm sorry, I love. वो अम्मी आ गई थी इसलिए फोन बंद करना पड़ा। मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी ना, तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। वो एक्चुअली सर में बहुत दर्द था, फिर दोस्तों ने लेट नाइट तक सिटिंग रख ली तो लेट सोया इसलिए। अमार मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता है उमर को डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट का कह दिया। हाँ उसकी रिपोर्ट दिखाई है मैंने डॉक्टर्स को, उन्होंने भी यही कहा। अमार मैं बहुत परेशान हूँ, कभी मुझे डॉक्टर्स पे जाना पड़ता है, कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तुम्हें पता है ना बच्चे अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तुम बस वापस आ जाओ, मुझसे नहीं हो रहा अकेले हैंडल, प्लीज ना आ जाओ वापस। हाँ हाँ अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो मैं कोशिश करूंगा आने की। कोशिश नहीं, तुम प्रॉमिस करो कि तुम नेक्स्ट वीक वापस आ रहे हो। आइला प्लीज बात को समझने की कोशिश करो यार। अमार मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, तुम सीट कंफर्म करवा के मुझे टिकट की पिक्चर सेंड कर रहे हो, सारी बातें यहाँ पर आकर हो। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। कल कितनी अच्छी लग रही थी ना तुम, दिल कर रहा था कल ही निकाह करवा के तुम्हें घर ले आऊं। अच्छा सुनो यार ये आयजा और अमार की पिक्चर्स ही सेंड कर दो। मुझसे अच्छे फोटोग्राफर तो तुम हो, पिक्चर्स तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना सारी। वो तो मैं हूँ लेकिन सिर्फ तब जब फ्रेम में तुम सामने। बातें करवा लो बस तुमसे। मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी लेकिन इरशाद ने बताया कि तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम्हारी नवासी हॉस्पिटलाइज थी। खैरियत थी ना, क्या हुआ था उसको? अब तो ठीक है ना, मैं बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ मैं कह दूंगी, तुम भी अशरफ भाई को मेरा सलाम कहना और सीमा को मेरी तरफ से बहुत प्यार और तसल्ली देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। फरहत से बात हुई, कैसी है नवासी उनकी अब? अल्लाह का शुक्र है ठीक है, घर पे आ गई अब। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाभी मुझे बताएं शाम के लिए आपके कौन से कपड़े प्रेस करवाऊं? बुखार तो मेरा उतर गया है लेकिन वीकनेस बहुत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी तुम लोगों के साथ। जाना तो पड़ेगा ना भाभी, आप मेजबान हैं और वलीमे पर दूल्हे की माँ ना हो तो कैसा लगेगा? तुम भी तो अमार की माँ जैसी हो ना, मेरी जगह मेहमानों का ख्याल तुम रख लेना। लेकिन भाभी भाई अभी तो जाने में बहुत टाइम है ना, देखते हैं अगर तबीयत संभल गई तो चलूंगी। तुम तो तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। बेहतर फील करें मैं करती। भाभी एक नंबर का धोखेबाज आदमी है ये, मुझे कह रहा था कि वलीमे में साथ जाएंगे और फिर चुपचाप जाकर आपको लेकर आ गया। अरे मैं आया था तुम्हें उठाने के लिए, तुम सो रहे थे खराटे लेके, मुझे रहम आ गया, मैंने कहा चलो थके हुए होगे सोने दो। झूठ सफेद झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल। अरे यार मैं अब जो होना था वो हो गया, अब तो ना लड़ना तो बंद करें। मैं लड़ा ये लड़ाई? एक शख्स दादी के पास चला जाता, दुआएं ले लेता अपने फ्यूचर के लिए, एंजॉय कर लेता, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है जी भाई साहब को। हौसला रखो भी नहीं, आपकी पूरी शादी बाकी है, जी भर के दुआएं ले लेना। नया
बड़ी पसंद थी यारू मुझे, उसकी शादी पर बहुत दुखी होने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो अब मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है, बड़ी दुआओं में रुखसत करूंगा उसे। जरूर। अरे बेला ये ना ये, थैंक यू सो मच। अरे ये क्या सर, स्लाइस और चाय? भाभी मेरा यही है, मैं जब भी उठता हूँ ना सुबह दोपहर शाम, मैं स्टार्ट नाश्ते से ही करता हूँ। यार कम से कम ऑमलेट बनवा लेते, इसको वो बटर जैम वगैरह ला दो ना। नहीं नहीं अभी मेरा अंडा खाने का कोई मूड नहीं था, उन्होंने पूछा था मुझसे, लेकिन ठीक है। तो कबाब ले लेते। कबाब? भाभी ये नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। मैं भी लेकर आता। नहीं नहीं भाभी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, मैं लेकर आता। बी यार वो मैंने सीवीज फॉरवर्ड कर दी है वैसे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। आ जाएगा, थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तुम एक काम करो, आमना वो मोर्चा भाई के लिए ना कबाब फ्राई कर दे। जी ठीक है। या किसके लिए खाना लेकर जा रही हैं? वो बेगम साहिबा, नूर की तबीयत ठीक नहीं है ना, बस उसी के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा आप एक काम करें, नूर को जाके खाना दे दे, कबाब में खुद फ्राई कर दें। ठीक है चले ठीक। क्या हुआ भैया? अम्मा आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ मैं अजहर मियां, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी कमजोरी लग रही है और कुछ नहीं। अरे हाथ भी ठंडे हैं और कांप भी रहे हैं, देखे ना। हाँ हाँ कमजोरी ही होगी अम्मा, सुबह एक तो आपने नाश्ता ठीक से नहीं खाया, फिर कल मैं मेहमानों में बिजी थी तो आपने रात को भी खाना ठीक से नहीं खाया होगा, है ना? दुल्हन बेगम हमने खाना भी ठीक खाया था, लेकिन जहाँ तक हमें याद पड़ रहा है हम खाना खाते ही सो गए थे, वही दिल का बोझ है बस। अम्मा बस मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चल रहा हूँ। देखें जरा। तो ठीक है ना, अगले हफ्ते वैसे भी तो आपने अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना था, आज चली जाए, बात तो एक ही है। हम कह रहे हैं थोड़ी देर सोएंगे हम तो ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो इस कदर आप। देखो एक तो अम्मा जल्दी उठ जाती है, नींद भी पूरी नहीं होती। जेबा तुम ऐसा करो कि एक टेबलेट इनको दे दो ताकि ये थोड़ी देर गहरी नींद सो जाए। क्या ख्याल है अम्मा, इनका मशवरा ठीक है? आपके मशवरों से अम्मा कभी इनकार करती? बिल्कुल चलो आ जाए। चलिए अब फजर के वक्त उठना ही ठहरा ना, कहाँ तक जाएंगे। काश मैंने भाभी से कबाब के लिए ना कहा होता, ना वो किचन जाती और ना ये सब कुछ होता। होने वाली बात होके रहती है। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि उस वक्त मैं और तुम उसके साथ थे। सोचो अगर वो अकेली होती तो क्या होता। हाँ लेकिन आई होप कि जख्म ज्यादा गहरा ना हो। बस कुछ तरह नहीं देख सकता। ठीक हो जाएगा मेरी जान, जल्दी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। डॉक्टर साहिबा जल्द ठीक हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरे नहीं है। अभिया अब आप कुछ दिन तक इस करवट पे बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक हो जाओगी मेरी जान, हिम्मत करो, तुम तो हिम्मत वाली हो ना। हाँ कि अगर घर से किसी का फोन हो तो कुछ भी नहीं बताइएगा प्लीज। अच्छा अच्छा नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। जिया का फोन है। जी जिया। सलमा सलमा मुझे पहले ये बताओ कि अभिया कैसी है, मुझे अभी शबाना ने बताया। हाँ जिया अभी तो तकलीफ में है अभिया, लेकिन शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, बस शोल्डर के पीछे। सलमा मुझे बताओ कि तुम लोग किस हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आना चाहता हूँ। नहीं नहीं आप नहीं आए, यहाँ तो इतनी मुश्किल से मुझे अभिया के इसरार पे अंदर आने की इजाजत मिली है, तैमूर और मूसा को भी अंदर नहीं आने दिया। आप बस घर में रह के दुआ करें, मैं तो मूसा को भी आपके पास भेज देती हूँ। सलमा
मुझे ये बताओ कि अजहर और जेबा भाभी हॉस्पिटल में है ना? नहीं, उनको तो बताया ही नहीं है। सख्ती से मना किया है अभिया ने कि उनको कुछ नहीं बताना। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी खबर हम उनसे कैसे छुपा सकते हैं? कम से कम अभी तो छुपानी ही पड़ेगी ना जिया, आयशा का वलीमा है, कैसे बताएं उनको? मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा जाने को। जा ही नहीं सकती ना अभिया को छोड़ के। मुझे लगता है कि आपको मूसा के साथ जाना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां जाकर क्या कहूंगा कि आप लोग क्यों नहीं आए। मुझे नहीं पता, आप खुद सोच लें आपने क्या कहना है। ठीक है, बंद करती हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, अभिया का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अब डॉक्टर साहब, आप हाउस माय वाइफ की कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, थैंक गॉड कि आप उनको टाइम पे लेकर आ गए। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी जी बिल्कुल, आप उनसे मिल लीजिए, लेकिन ज्यादा बात मत कीजिएगा। मैंने उनको रिलैक्स करने का इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर सोती रहेंगी तो तकलीफ का एहसास नहीं होगा। डॉक्टर साहब, तो क्या आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे अभी? आप रखेंगे उन्हें थोड़े दिन? आप 6 से 8 घंटे तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, लेकिन फिर भी आपको चेकअप के लिए उनको रोजाना लाना पड़ेगा। और डॉक्टर, मेडिसिन और वो सब? हाँ, मेडिसिन तो है। आप ऐसा करें, मेरे रूम में आ जाएं, मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जल्दी ठीक हो जाओगी मेरी जान, जल्दी ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। कैसा फील कर रही है? बहुत तकलीफ में है अभी। हाँ तैमूर, सब तुम ही इसके दर्द का मदावा कर सकते हो बेटा। तुम हिम्मत से काम लोगे ना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तैमूर। हाँ भैया। आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आप कहीं भी मत जाइएगा यहाँ से। तुम तसल्ली रखो, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूं। चले। अच्छा सुनो, मुझे पार्लर से पहले थोड़ी देर बाजार भी रुकना है। यार बस 2 मिनट दो, आ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? यार मेरे इयररिंग्स ही नहीं मिल रहे हैं, पहनने हैं मुझे अभी। और बात सुनो, तुम्हें बाजार क्यों जाना है? एक्चुअली बालों का कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ एक्सटेंशंस ले लूं। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। बात सुनो, तुम हेयर कट क्यों नहीं ले लेती हो? तुम्हारा पहले वाला हेयर कट कितना सूट करता था तुम पे। हाँ पसंद तो मुझे भी था, लेकिन पता नहीं आंटी को पसंद आएगा नहीं आएगा। इतना अच्छा हेयर कट है, तुम पे सूट भी करता है, आंटी को जरूर पसंद आएगा। और तुम आंटी के बारे में क्यों सोच रही हो? हाँ जैन भाई के बारे में सोचो ना कि उन्हें कैसा लगेगा। That's true. पता नहीं उनका क्यों सोच रही हूँ मैं। और हाँ जैन को तो हर हाल में पसंद आती हूँ मैं। ऐसा करूंगी, हेयर कट तुम्हारी शादी पर करवाऊंगी। अब चले। हाँ हाँ चलो, मिल गए मेरे रेटिंग्स। कह रहे हैं ना हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है हम बिल्कुल, बस जरा सा दिल घबरा रहा है। अरे अम्मा फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हो रही, डॉक्टर के पास तो चलना पड़ेगा। देख रही हैं आप, हमेशा की जिद्दी है, बचपन से इसी तरह है आप। अगर चलो शुक्र है अम्मा, फाइनली आपने ये तो तस्लीम किया कि जिद्दी है। देखा अम्मा, आप मेरे खिलाफ बात सुनकर ये कितना खुश हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बहू बेगम आपके खिलाफ, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है। अच्छा बहू बेगम, हमारी साड़ी जरूर इस्त्री करवा दीजिएगा और बच्चियों को पार्लर भी भिजवा दीजिएगा। जी जी सब करवा दूंगी, आप परेशान मत हो, आप आराम से जाएं, चेकअप करवाएं। मुझे पता, मुझे पता। चलिए खैरियत से जाइए।
ये फोन क्यों नहीं उठा रही है भैया? हेलो, हाँ मैं, आप बोलो। आई थिंक आप सो रहे थे शायद, मैंने उठा दिया ना आपको। नहीं मैं सो नहीं रहा था, बताओ कोई काम था? अच्छा अभी आ काय मेरी, प्लीज उससे बात करवा देंगे, कॉल कर रही हूँ कॉल भी नहीं उठा रही है। हाँ अभी आ सो रही है अभी। ओह अच्छा, तो अभी आप इतनी हल्की आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जब वो उठ जाए ना तो प्लीज उसे कहिएगा कि उसके बैग में मेरे सिल्वर इयररिंग्स रह गए हैं, प्लीज वो दे दे मुझे शाम में पहनने हैं। सुनो आज शायद हम लोग ना आ पाए। क्यों? मेरा मतलब है सब ठीक है ना, हमारी कोई बात तो नहीं आपको बुरी लगती? राज की तो नहीं, लेकिन तो फिर बदकिस्मती से अभी आप तैमूर भाई उसको ज्यादा तो नहीं वो जली है, वो ठीक है, मेरी बात करवा दें उससे प्लीज। अच्छा ठीक है मैं अम्मी को बताती हूँ, हम अभी आते हैं हॉस्पिटल। ऑफिस अम्मी देखिए ये दोनों ऑप्शंस हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है? दिस विल लुक नाइस ऑन यू। आई थिंक सो टू। अम्मी अम्मी क्या क्या हुआ है? अम्मी अभी हम अम्मी वो जल गई है वो। क्या क्या कह रही हो अम्मी? मुझे खुद कुछ नहीं पता, तैमूर भाई ने बताया, वो कह रहे हैं किचन में काम कर रही थी उसका दुपट्टा जल गया पूरा, उसके शोल्डर भी जल गया। अम्मी क्या कह रही हो तुम? अम्मी रुकिए पहले, बाबा को तो बताएं आप। नहीं 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 वो अम्मा के साथ है, वो ये खबर नहीं सुन पाएंगी, मैं जाके देख। मैं साथ चलती हूँ ना अम्मी आपके। नहीं तुम लोग इधर ही रुको, मैं फोन करके बताती हूँ, मुझे वहां जाके देखने तो दो कि क्या हो रहा है, रुक जाओ। कह रहे उसका पूरा शोल्डर जल गया। अच्छा तुम रिलैक्स करो अम्मी, जा रही है ना, अभी पता लग जाएगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा कॉल करके पूछती हूँ। 3 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारा बेटा अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन नहीं, हम लोग गलत सोच रहे थे। वहां तो ये अपना घर बसा रहा था। कितना अच्छा होता ना कि हम सब साथ एक ही सैलून जाते और वहीं से तैयार होते। पर अम्मी कह रही थी कि आज हमें जल्दी होटल पहुंचना है, इसलिए हमने करीब वाले सैलून से बुकिंग करा ली। हाँ ये भी ठीक है, तो तुम लोग के घर से नजदीक है वो? हाँ भाभी मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। थैंक यू सो मच। वैसे भाभी का ड्रेस कितना खूबसूरत है ना? है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कल से ज्यादा आज प्यारी लगेंगी। इसका मतलब मैं कल अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं बहुत अच्छी लग रही। नहीं वो मुझे भी बड़ा पसंद है आज का ड्रेस मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना ये दोनों यहाँ बैठकर आयजा को तंग कर रही हो। नहीं फूफो ऐसी बात नहीं है, ये दोनों मुझे बिल्कुल तंग नहीं कर रही, बल्कि हम तीनों मिलके बहुत मजे मजे की बातें कर रहे। मजे मजे की बातें और ये दोनों, हो ही नहीं सकता। अमार भाई ने तो बचपन से हमें तंग करने की कसम खा रखी है। किसके बचपन की बात कर रही हो? अपने बचपन की या मेरे बचपन की? खैर आप दोनों तो अभी छोटी हो, और खास तौर पे तुम। मैं छोटी नहीं हूँ, अभी यहाँ से जाके ना मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं कोई छोटी नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं। बड़ी हो गई हो मगर अकल अभी भी नहीं आई। मानी जान बीमार है, तुम दोनों ने कुछ उनकी खिदमत की है? जाओ जाके देखो, पूछो उनसे और कुछ करके देना, उनको हेल्प करो, जाओ। चलें फूफो। हाँ हाँ लेट हो रहे हैं, और जब आयजा तैयार हो जाएगी ना तो कॉल कर देंगे, लेने आ जाना। सलमा कहाँ है अभी? यहाँ क्या हुआ है मेरी बच्ची को? सेबा आपको किसने बताया? और नेहा की बात हुई ना तैमूर से, क्या कौन सा जरूरी काम था किचन में कि उसे किचन में जाना पड़ा? कोई इतना बड़ा काम नहीं था, बस यूं समझ लें कि हमारी बच्ची के नसीब में ये तकलीफ झेलना भी लिखा हुआ था। अच्छा किधर है ना, हम बताएं। यहाँ है, आए आए। इस तरफ।
अबिया, ये बेटा, ये क्या हुआ? कैसी हो तुम बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं ठीक हूँ। बेटा तुम जली कैसे? किचन में जाने की क्या जरूरत थी? बस समझ ले अल्लाह मियां ने एक नई जिंदगी दी है इसे। मैंने आंटी को मना भी किया था कि आप लोगों को नहीं पता है। बेटा जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो बाकी जिस्म को पता नहीं चलेगा क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? मैं किचन में थी, जैसे ही चीखी तैमूर फौरन वहां पर आ गए थे और अल्लाह ने यही लिखा था, तो कोई बात नहीं। अब देख रही कितनी स्ट्रांग है भैया, खुद बीमार पड़ी हुई है और तसल्ली आपको दे दिया। हम सब की दुआओं से इंशाल्लाह बिया जल्दी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। बेटा तुम्हारे अब्बू और दादी को इस हादसे का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन बहनें तुम्हारी बड़ी परेशान हैं। बार बार वीडियो कॉल कर रही हैं। बात करने की हिम्मत है? हम कॉल पे करेंगे। कॉल उठा लें प्लीज। अम्मी, अम्मी बिया कहाँ है, कैसी है, वो बात करवाए उससे प्लीज। ये लो। हाँ हाँ मैं दे रही हूँ फोन, लंबी बात मत करना। कैसी हो तुम दोनों? बिया क्या हुआ है तुम्हें? कैसी हो बिया? क्या करती हो बिया, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम दोनों परेशान मत हो, ना दादी को पता चल जाएगा। हमें बताओ ये हुआ कैसे है? मैंने कहा ना ज्यादा सवाल नहीं करो, बस तुम लोग का फोन रखो और परेशान नहीं हो, अम्मी भी आती है। अबिया तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बहुत तकलीफ में हो ना तुम? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक हो। अच्छा देखो तुम प्लीज अपना ख्याल रखो और हम मिलने आएंगे तुमसे। हाँ अब तो बहुत सारा ख्याल रखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा बस बस करो ना, उसको आराम करने दो, बाद में आके मिल लेना। ये तो जान गया हूं कि तुम्हारे और अम्मार के दरमियान कोई ना कोई बात जरूर हुई है, मगर ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम बीमारी पड़ गई? इधर आओ अम्मार, क्या हुआ है तुम्हारी मां को, किस बात की टेंशन है इन्हें? ऐसा तो जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ कि तुम्हारे बाबा ने तुमसे सवाल किया हो और तुमने जवाब नहीं दिया। बताओ मुझे, बोलो। मुझे नहीं लगता तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बाबा को सच बता सको। ऐसा क्या कर दिया इसने? तीन साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारा बेटा अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन नहीं, हम लोग गलत सोच रहे थे। वहां तो ये अपना घर बसा रहा था, शादी कर ली है इसने वहां पे, और तो और एक बेटी भी है इसकी। बाहर जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने कहा ना चले जाओ।
मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगी? मैं क्या जवाब दूंगी उनको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलिए, हम क्या करेंगे? आप बताएं। हौसला करो बुशरा, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर काम करने के लिए भेजा था। जिया का गिरेबान पकड़कर उससे पूछूंगा मैं। नहीं नहीं अजहर, उनमें से किसी की भी गलती नहीं है। अभिया किचन में गई थी मुलाजमा से कुछ कहने, वहाँ पे कोई मिला नहीं उसे, तो उसने खुद चूल्हा जला दिया। चूल्हा जलाया तो उसके दुपट्टे को आग लग गई। जैसे ही उसे महसूस होना कि आग लगी, उसने दुपट्टा फेंका है तो उसकी शर्ट को आग लग गई। तो आप मूसा और तैमूर का शुक्रिया करें कि उन्होंने सिचुएशन संभाल लिया। सलमा बेचारी बहुत रो रही थी और तैमूर का तो बहुत ही बुरा हाल था। आप तो जानते हैं कितने नाजुक से उन्होंने हमारी बच्ची को रखा हुआ है उस घर में। यार देखो, मैं तो कांप रहा हूं कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे कैसे देखूंगा। नहीं नहीं, आप देखेंगे ना तो आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। बड़ी हिम्मत वाली है हमारी बेटी। अरे वो तो हम सबको संभाल रही थी, बहनों को वीडियो कॉल करके कह रही थी कि आयजा के वलीमे पे जरूर जाना और खूब मजे करना है। यार अगर अभिया वलीमे पर नहीं जाएंगी तो अम्मा तो परेशान हो जाएंगी, हम उनको क्या बताएंगे? हाँ ये तो सही है, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। और पता है ये बात तो आयजा से भी छुपानी, ना तो उसका वलीमा खराब हो जाएगा बेचारी का। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जिया से बात करता हूँ और उसको बताता हूँ कि फैमिली में कोई डेथ हो गई है, इसलिए वहाँ पर उनको जाना पड़ा। गुड आइडिया, फिलहाल लेट हो रहे हैं, तैयार हो जाएं। यार देखो ना, एक बेटी की खुशी है, दूसरे का दुख है, बस मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाऊँ, टाइम ही नहीं गुजर रहा। नहीं हिम्मत कीजिए, सुबह होते ही ना हम दोनों साथ जाएंगे। अभी तो घर ले जाके सुला दिया होगा ना, शी नीड्स टू रेस्ट। अब आप भी प्लीज थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं, बाकी बच्चों को भी तो संभालना है हमने। नहीं हाँ सही कह रही, ठीक है। क्या किया यार तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तो मर जाता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं तैमूर। खुदा करे कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए? क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें तैमूर? अभिया, अरे मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से सूप बना के लाई हूँ और तुमने अपने हाथों से पिलाना है इसे। अभी तुम्हारी ड्रेसिंग भी करनी है मैंने। आप अंकल और मूसा जा रहे हैं ना वलीमे पर? मेरे ख्याल से पहले ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा ठीक। बेटा क्या करूं, वलीमे पे जाने के लिए ना मेरा दिल चाह रहा है और ना ही तुम्हारी चची जान जाना चाह रही। तो फिर आपने क्या सोचा, दादी को क्या बताएंगे? अगर उन्हें सच्चाई बता दी वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। बेटा अभी अजहर से फोन पे बात की है मैंने, अभिया का सुनकर बहुत रो रहा था, परेशान था, वो भी यही कह रहा था। तो फिर आपने और अंकल ने क्या फैसला किया, क्या कहेंगे दादी से कि क्यों नहीं आए हम लोग? सिर्फ अम्मा से नहीं, आई थिंक आयजा और बाकी सब मेहमानों से भी यही कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है और जाना बहुत जरूरी। चाय चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार। बेटा तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि हर 4 घंटे बाद ट्यूब लगानी है जख्म पे, तो
बेटा वक्त की पाबंदी जरूर कर। मुझसे तो अभिया को इस तरह देखा ही नहीं जा रहा है, इतनी तकलीफ में, लेकिन हमारी वजह से जाहिर कर रही है कि उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूंगा। ओ खुदा, जलन तो नहीं हो रही बेटा? नहीं, मैं बेहतर हूं। ठीक हो जाओगी, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तैमूर को भेजती हूँ, तुम्हें अपने हाथों से सूप पिलाएगा। अम्मी कहाँ रह गई हैं? जल्दी करें, बहुत लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ, बस मेरा ये ना क्लच नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह, आप तो लग ही नहीं रही मेरी पुरानी वाली अम्मी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कोई अमीर कबीर खातून लग रही हैं आज तो आप। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, लग रहा है किसी अमीर बाप की बेटी है। देखना तुम, अमीर कबीर खानदान का कोई ना कोई लड़का आज तुम्हारा हाथ मांग ही लेगा। अम्मी मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, और अभी से मेरी शादी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं आपको। चलो चलो, बहुत लेट हो गए। चलो, अबू कहाँ हैं? अभी तक तैयार नहीं ना हुए होंगे वो। अरे वो तो आधे घंटे से तैयार होकर बाहर टहल रहे हैं। बाहर क्या कह रहे हैं, आराम से अंदर बैठ जाते। इसलिए बाहर खड़े हैं, अम्मी ने बोला था कपड़ों की स्त्री खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसे खड़े हैं बाहर। चलो आ जाओ, आ जाओ। शादी के लिए कब तैयार होकर निकलूं? बस आधे घंटे में उठती हूँ तैयार होने के लिए, घंटे भर में निकल जाएंगे। जल्दी जाके भी क्या करना है जी। और इशाल यकीनन आज जिद करेगी तुम्हारे साथ आने की, तो तुम्हें याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था? जी मॉम, डोंट वरी। सुबह ऑफिस भी है तो जल्दी वापस आएंगे। तीन प्रेजेंटेशंस हैं तुम्हारी कल, तैयारी मुकम्मल है ना? जरा चेक कर लेना। मैं भी आपको प्रेजेंटेशंस ईमेल कर देता हूँ, आप रिव्यू कर लीजिएगा। मैं तैयार हो जाता हूँ। आप कर लो चेंज।